हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। हमने देखा था कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया था वो बहुत अच्छा आया था, अनुमान के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसकी वजह से हमने देखा कि चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, पर्टिकुलर स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद अपने हाइस पर जाके क्लोजिंग दी है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो गाइस, चार्ट पैटर्न अब क्या सजेस्ट कर रहा है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप इस थंबनेल में देख रहे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि एक लॉन्ग टर्म चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। साइड बाय साइड जो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस ब्रेकआउट का, वो 10% का रख सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 900 प्लस के ऊपर का अचीव हो सकता है। करेंटली अभी 780 पे ट्रेड कर रहा है। सो आप देख सकते हैं 120 पॉइंट तक की हम अचीवमेंट आराम से इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकती है। अब किस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर क्या कर रहा है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। सो गाइस, मैंने इन्फोसिस का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। इन्फोसिस के चार्ट में मैंने ये डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ, उस पर आपको क्लियरली व्यू दिख जाएगा। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इन्फोसिस अपना डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब 2019 के जनवरी सीरीज में ही अगर हम बात करें, जनवरी पे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना इस चैनल के अंदर काम करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ से चैनल के अपर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा था, दोबारा नीचे आ गया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने डबल टॉप भी बनाया था। डबल टॉप बनाने के बाद हमने देखा कि वो पर्टिकुलर काउंटर वहाँ से नीचे आया, उसके बाद उस ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा उसके बाद उसे क्लोज नहीं कर पाया, ना उसके आसपास जा पाया। और आज के ट्रेडिंग सेशन पे गाइज हमने देखा कि उसने इस पर्टिकुलर रेंज का, हमने देख सकते हैं कि इस रेंज का इसने ब्रेकआउट देखने को मिला और आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने 52 वीक हाई तक को भी ब्रेक कर दिया। गाइस, इसका 2753 इसका 52 वीक हाई है इन्फोसिस का, जिसको आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेक कर दिया और अपने डबल टॉप को जो बनाया था उस डबल टॉप को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया और साइड बाय साइड ये चैनल का भी ब्रेकआउट देखने को मिला 773 पे। यस गाइस, 773 पे इसका लेवल था 773 775 जिस पे इस पर्टिकुलर इन्फोसिस ने ब्रेकआउट दिया है। और जो अब इसके टारगेट्स ओपन होते हैं वो होते हैं जो चैनल का डिफरेंस है उसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मिनिमम टू मिनिमम 50% टारगेट हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो गाइस, अगर हम चैनल का डिफरेंस लेते हैं तो चैनल का जो हाई था 770 था अगर हम एक्सपेक्ट मान के चले, और जो लो था उसका वो था 695, यानी कि कुल हम मान के चल सकते हैं कि 170 पॉइंट का 700 to 770 70 पॉइंट्स का जो मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ से 70 पॉइंट्स की अपमूव और देखते हैं, 70 पॉइंट्स की अपमूव अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 840 तक के भी टारगेट्स, 850 860 तक के टारगेट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, इस चैनल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल गया जिस तरीके से। सो इसके टारगेट्स यहाँ से मिनिमम टू मिनिमम हम मान के चल सकते हैं कि 60 पॉइंट तक के टारगेट्स तो खुल ही गए हैं आराम से इस काउंटर के अंदर। अब गाइस, दूसरी अगर हम बात करते हैं, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म चैनल बना हुआ है। ये देखिए गाइस, मैं इसे थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर व्यू दिख जाएगा इसमें। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो इसके टॉप्स हैं 2015 से लेके 2019 तक के जो भी टॉप्स थे उस पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और यहाँ पर हमने बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, इन्फोसिस ने एक चैनल ड्रॉ करा, ये आप देख सकते हैं ये चैनल है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला और हम देखा हायर लेवल्स देखने को मिले। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पर भी एक चैनल बनाया, चैनल का हमने पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला, वो अपने अपर रेजिस्टेंस पे गया, दोबारा फॉल आया और फॉल जहाँ पर आया वो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं इस चैनल का अपर जो रेजिस्टेंस था वो उसका सपोर्ट बन गया और वहाँ से इसने फिर ऊपर की तरफ अपमूव दे दी। और वो उसी तरीके से इस बार भी इसने चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, हम कह सकते हैं कि 800 के आसपास, 800-810 के आसपास एक थोड़ा बहुत हर्डल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक हम मान के चल सकते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ पर हमें एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पर अगर जैसे ही 800 का लेवल तोड़ता है तो इसके लिए लॉन्ग टर्म चैनल खुल जाएगा, एक लॉन्ग टर्म इसका प्राइस ओपन हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 900 900 प्लस तक के लेवल्स तक आराम से जा सकता है
और इस एक्सपायरी तक मुझे लगता है कि 860 तक के टारगेट्स को आराम से टेस्ट कर लेगा गाइस। अब देख सकते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर ने एक, अगर हम 4 साल से, अगर हम 5 साल से इसके टॉप्स को मिला रहे हैं, और अगर जैसे ही ये 800 का लेवल तोड़ता है, सो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इन्फोसिस के अंदर, और फिर हम कह सकते हैं इसके टारगेट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे। अगर अब आप नीचे की ट्रेंड लाइन को देखिए, अगर आप नीचे की सपोर्ट लेवल की लाइन को देखिए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल की लाइन मैंने 2017 के मिड से बनाना शुरू करी थी, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो इसने 4-5 दिन पहले दो अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ था, वहीं पर ही इसकी एक ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट ट्रेंड लाइन की मूवमेंट थी, और 700 के लेवल पे, 700 के लेवल पे आप देख सकते हैं। और जो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर चैनल बनाया था, ये चैनल का लो क्या था गाइस, 700 का लेवल एक तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि 700 के लेवल पे एक हम देख रहे हैं कि लॉन्ग, चाहे 2 साल का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, दूसरी बात एक चैनल का सपोर्ट है, और तीसरी चीज 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो 700 का लेवल कितना क्रूशियल लेवल था और कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर वो लेवल ब्रेक नीचे की तरफ होता तो और ज्यादा लोअर लेवल्स देखने को मिलते, पर वहां सपोर्ट लिया और उसने अपर साइड में चैनल का ब्रेकआउट दिया। सो गाइज, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक जो अप मूव देखने को हमें मिली है, वो अगर वो हर्डल जो यहाँ से 20 रुपये की एक और जो हर्डल है वो अगर वो तोड़ देती है, तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा इन्फोसिस के अंदर बाय करने के लिए गाइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसने कल की जो मूवमेंट थी, अगर हम इन्फोसिस की बात करें, तो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद उसने 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करा, और वहां से हमने देखा कि एक सडन फॉल आ गई थी, लास्ट आर में एक सेलिंग आ गई थी इन्फोसिस के अंदर। पर आप देख सकते हैं जैसे ही आज गैप अप हुआ तो उसने सारे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। ये एक इन्फोसिस के अंदर एक बहुत अच्छे संकेत है कि सारे मूविंग एवरेजेस के अंदर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया, उसके ऊपर जाके ये बंद हुआ है। अब हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं, तो वीकली चार्ट पे एक लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं कि 2003 से लेकर 2019, आप खुद मान के चल सकते हैं कि कितना लॉन्ग टर्म गैप है। और वहाँ के अगर मैंने, जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जब मैं अपने बॉटम्स को मिला रहा हूँ, और अगर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बॉटम की ट्रेंड लाइन को मिलाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन थी, बॉटम की ट्रेंड लाइन थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ का इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था, ब्रेकडाउन देखा, वहीं पर सपोर्ट लिया इसने। पहले यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट को जैसे ही तोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ फिर रेजिस्टेंस फेस करा, तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस करा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि अब ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई थी जैसे ही इस लेवल को तोड़ती थी। अब आप देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन पे इस पर्टिकुलर काउंटर ने इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब हमने जो एक हायर रेजिस्टेंस की अगर हम जो बात कर रहे हैं कि जो आप देख सकते हैं, मैं दोबारा इसको आपको प्रीवियस यहाँ पर लेकर जाता हूँ जी गाइस, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो अपर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, अपर रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन है, उसका अगर हम, ये जो ब्रेकआउट आया है लोअर लेवल से, वो अगर हम हायर साइड की तरफ देखते हैं, सो वो कहाँ तक हम शो कर रहा है, 820 830 के लेवल तक, या फिर हम देख रहे हैं कि वीकली, एक वीकली चार्ट है, सो ये काउंटर सीधे ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं, ये हल्के हल्के ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 850 तक ये आराम से काउंटर जा सकता है जैसे 800 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर ये 800 का ब्रेकआउट देखता है तो यहाँ पर लेवल्स ओपन होते रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर तरफ लॉन्ग टर्म है, और जैसे ही 850 का लेवल ये तोड़ता है गाइस, और जैसे ही आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है, सो यहाँ से ये पर्टिकुलर काउंटर ने हम कह सकते हैं एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म इसका जो टारगेट है वो 1000+ भी ओपन हो सकता है गाइस। और यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट बहुत बुलिश आ रही है, सो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, इस पर्टिकुलर काउंटर पे आप इन्फोसिस बाय जरूर करके चलिएगा गाइस। इसके साइड बाय साइड में आपको सलाह दूंगा कि TCS पे जरूर बाय करके चलिए, ये दो IT सेक्टर है जो आप, मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी और या इस क्वार्टर के अंदर बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे हम कह सकते हैं कि टारगेट्स आपको दे सकते हैं और आउट परफॉर्म करेंगे। सो इन्फोसिस और TCS, इन दो पर्टिकुलर स्टॉक पे इस IT सेक्टर के अंदर आप बेट लगा के चल सकते हैं, इस एक्स मान के चल सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर।
और साइड बाय साइड अगर आपको दूसरा सेक्टर चूज करना है तो आप फार्मा सेक्टर के अंदर भी बेट लगा के चल सकते हैं। सो गाइस क्लियरली व्यू आपको मैंने इन्फोसिस के अंदर दे दिया है कि चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेस्ट बाय बनता है। और अगर आप लोग ज़्यादा कॉशियस नहीं है, अगर आप ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड नहीं करना चाहते, तो मैं आपको यही सलाहूंगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर अगर ये एक हफ्ता वीकली क्लोजिंग दे देता है, इस चैनल के ऊपर वीकली क्लोज अगर हमें देखने को मिलता है, सो हमारे लिए एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी 850 के लिए इमीडिएट टारगेट। सो गाइस अगर आपको ये इन्फोसिस का टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा गाइस, और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा।